Welcome everyone. In this video, we will discuss the Pegasus software spyware. ये Pegasus जो टर्म है आजकल बहुत हाईलाइटेड है, तो Pegasus स्पाइवेयर क्या चीज है ये सब कुछ डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले क्या है Pegasus? एक स्पाइवेयर है। स्पाइवेयर का मतलब स्पाई का मीनिंग होता है जासूसी। तो ऐसा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जो हम किसी की जासूसी करने के लिए किसी के सिस्टम में इंस्टॉल कर दें और उसकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वहां से निकाल लें, ऐसा करने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है उसको स्पाईवेयर कहते हैं। तो स्पाईवेयर क्या है? एक इट इज अ टाइप ऑफ मैलिशियस प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। इट इज अ टाइप ऑफ मैलिशियस प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर That bypasses the security of the device, जो डिवाइस की सिक्योरिटी होती है उसको भी बाईपास करके एंटर कर जाती है उस डिवाइस के अंदर। उस डिवाइस के अंदर अगर कोई प्रोग्राम को हम एंटर करा दें और फिर वो क्या करे, वो जो भी इंफॉर्मेशन वहां पर जो भी एक्टिविटीज होती हैं उस डिवाइस के अंदर वो कहीं और जो डेवलपर है उस तक पहुंचा दी जाती है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स जो किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्टील करके दूसरी जगह पहुंचा दे, उन ऐसे प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? स्पाईवेयर। तो स्पाईवेयर क्या करता है? उसकी किसी और पर्सन की यूजर की इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को वहां से निकाल कर दूसरी जगह पहुंचा दे, ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? स्पाईवेयर। अच्छा, ये स्पाईवेयर किसी सिस्टम के अंदर आता कहां से, कैसे पहुंचता है? इंटरनेट के माध्यम से। तो इंटरनेट पे जब भी हम कोई भी चीज सर्च करते हैं, इंटरनेट पे जब भी हम कभी ब्राउजिंग करते हैं, ब्राउज करते हैं कुछ भी, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं। तो उन वेबसाइट के अंदर ब्राउज करते ही वेबसाइट खुलेगी, उसी वेबसाइट पर कुछ लिंक्स होते हैं, जैसे फाइल को डाउनलोड करने के लिंक या फिर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के। ये दो तरीके के लिंक होते हैं, लिंक मिलते हैं, इन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, ये जो वैसे तो ये फाइल ही है, इसी में क्या जुड़ा होता है? स्पाईवेयर। अगर हमें स्पाईवेयर कहीं को भेजना है या फिर जो स्पाईवेयर बनाते हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं, फाइल के साथ ही उसी स्पाईवेयर को जोड़ देते हैं और वो छुपा रहता है, हिडन रहता है। अब जैसे ही कोई यूजर इस फाइल को डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करेगा तो क्या होगा, उस फाइल के साथ ये स्पाईवेयर भी उस सिस्टम के अंदर चला जाएगा। जब इस फाइल को इंस्टॉल किया जाएगा तो ये फाइल के साथ साथ ये स्पाईवेयर भी तो इंस्टॉल होगा सिस्टम में। अब जैसे ही ये सिस्टम में स्पाईवेयर इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर क्या करेगा, वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को सेंड करना स्टार्ट कर देगा दूसरी जगह पे सेंड करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से स्पाईवेयर काम करता है। अच्छा, ये Pegasus क्या चीज है? ये Pegasus भी एक स्पाईवेयर। Pegasus उसका नेम है, इट इज अ नेम ऑफ स्पाईवेयर। Pegasus इज अ नेम ऑफ स्पाईवेयर। एक प्रोजेक्ट का नाम है, उनके जो स्पाईवेयर नाम बनाया उसको एक नेम दे दिया गया Pegasus। और ये Pegasus बनाया किसने? एक इजरायली कंपनी है, इजरायली कंपनी जिसका नाम है एनएसओ ग्रुप। जिसका नाम क्या है? एनएसओ ग्रुप, जिसमें ये तीनों जो लेटर हैं ये इसके फाउंडर्स के नेम से लिए गए हैं। इसका नाम एन से है निव, एस से है शाले और ओ से है ओमरी। तो ये तो Pegasus के बारे में है। Pegasus क्या है? एक इजरायली कंपनी है जो जिसका नाम एनएसओ ग्रुप है। एनएसओ ग्रुप में इनके फाउंडर्स के नाम से एनएसओ ग्रुप बनाया गया। तो ये कंपनी क्या करती है? ये कंपनी बनाती है स्पाईवेयर। एनएसओ कंपनी ने बनाया है ये Pegasus स्पाईवेयर। तो Pegasus स्पाईवेयर बनाया किस लिए गया था? ये बनाया गया था कोई भी टेररिस्ट वगैरह जो इलीगल एक्टिविटीज करते हैं उनकी उनका जासूसी करने के लिए।
उनके बारे में, वो क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं। लेकिन अच्छा, ये वर्क किसके लिए करती है? एनएसओ ग्रुप वर्क करता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करती है। तो ये बहुत सारी गवर्नमेंट के लिए काम करती है, उसमें एक इंडिया भी है। अच्छा, ये खबर कहां से ब्रेक हुई? खबर ब्रेक हुई फ्रांसीसी कंपनी, एक फ्रांस की एक सर्वे कंपनी, एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फॉरबिडन स्टोरीज। और एक एमनेस्टी इंटरनेशनल, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने ब्रेक किया खबर की ये जो है कि 300 इंडियंस का भी जो डेटा है वो लीक हो गया, मतलब कि उनकी भी क्या हो रहा है, स्पाई हो रही है। इस इन 300 इंडियंस में बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जज भी है कोई सुप्रीम कोर्ट का। तो इस तरीके से ये पेगासस सारा ये जो मैटर चल रहा है वो ये था। थैंक यू।